क्या भैया क्या कर रहा है? शॉपिंग करने आए आप? दिमाग वमाग ठीक है कि नहीं आपका? हैं, परचून की दुकान छोड़ के आए हो एक्सपेंसर में? मेरे पास बोल भी नहीं पा रहा। टाइम हो गया है, स्टिल आई एम ऑन माय R&D। अभी थोड़ा सा मटेरियल बना तो है और थोड़े से मटेरियल बनने के तैयारी में है। इफ़ ये सक्सेस हो जाता है तो फिर बड़ा बैच लेंगे। ड्रमिंग वगैरह भी तैयार हो गया है, कोई नहीं देखते हैं। आज शाम तो हो ही जाना है मुझे पक्का यहाँ पे। इडली है, सांभर है और सांभर में सहजन भी है। वाह क्या बात है। चाय भी है? नहीं है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स जय श्री राम। आज दिन है थर्सडे और डे को करते हैं स्टार्ट इडली सांभर से। काफ़ी सही। हाँ हाँ हाँ, हो गया हूँ मैं नहा धो के रेडी और थोड़ी देर में चलेंगे। अभी काम वाम का स्टार्ट करेंगे नाश्ता करने के बाद। फ्रेंड्स निकल गया हूँ मैं इधर काम के लिए। आज का काम मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है। आज प्रोडक्शन वाला काम है, प्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट है, लेकिन एक दो बैचेस और एक्स्ट्रा बनवाना है जो कि थोड़े टेक्निकल बैचेस हैं। वो बैचेस भी चल के अभी बनवाना है और आज शाम तक प्रोडक्शन करना है कम्प्लीट। और देखते हैं शाम में, आज थोड़ा आने में लेट भी हो सकता है हमें, चलते हैं पहले काम कराते हैं आज का। और अकाउंट्स वाला भी थोड़ा बहुत काम है, पेपर वर्क भी है और कई काम है एक साथ, मतलब मैं क्या ही बताऊं। अब जाऊंगा तो दिन भर के लिए आज बिज़ी हो जाऊंगा टोटल। प्रोडक्शन का अलग है और प्रोडक्शन में मैं सिर्फ नॉर्मली प्रोडक्शन तो सब वर्कर्स लोग थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन रेसिपी वगैरह और थोड़ा सा टेक्निकल्स जो भी होता है वो, मतलब थोड़े से प्लस माइनस थोड़ी सी टाइमिंग, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि वो ना देखने से बैचेस में भी ख़राब हो सकता है। तो कोई नहीं, चलते हैं काम करते हैं आज का। जा अंदर, जा जा जाओ, गर्मी लग रही है बाहर। जाओ जाओ, गुड बॉय, जाओ जाओ, आना मत, जाओ। अरे कहाँ गया डंडा? किधर गया डंडा? कहाँ गया डंडा? काफ़ी गर्मी है फ्रेंड्स और शेरू बाहर इस समय रहेंगे तो हो जाएगी रेबत खराब। फोन चलते हैं प्रोडक्शन कराने। टाइम हो गया है 12:03 और शेरू गहरे निद्रा में है और आवाज़ सुनते ही उठ जाते हैं। पोछ पोछ लाना चालू कर देते हैं, झाड़ू लगाना चालू कर देते हैं अपने पूछ से। नहीं बैठो, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, मुझे बाहर जाना है, चेक करके आना है कितना प्रोडक्शन चल रहा है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। यहीं बैठो, कहाँ गया? ये तो हाल हो रहा है बाहर का, गर्मी अच्छी खासी है। फ्रेंड्स टाइम हो गया है 5:30 और काम भी मेरा लगभग लगभग यहाँ का हो गया है ख़त्म। कुछ बिल वगैरह, कुछ ईवे बिल वगैरह, ट्रांसपोर्ट, कुछ ये सब भी हो गया है। चलते हैं, अब ये निकालते हैं पेन ड्राइव। शेरू भी चले गए बाहर खाना वाना खाने, कोई बात नहीं। क्या शुरू? कूद पो, कूद पो, चलो चलो चलो, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ है भैया खाने में? और ये क्या है? बन गया है? अभी रखें क्या? नेनुआ चना तो जल्दी हो जाता है। ये क्या चावल? अच्छा अभी बनाना है। दाल बन गया? तो फ्रेंड्स जय श्री राम, स्टार्ट करते हैं आज का डे। आज ही प्रोडक्शन वाला ही दिन है जैसे एज यूजुअल कल था। और ये धब्बे जो दिख रहे हैं परफ्यूम के हैं, क्योंकि कल वाले शर्ट में पूरी दवाई 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 लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं आज का ही प्रोडक्शन करा के आते हैं, फिर कल है सैटरडे तो देखते हैं कहीं का प्लान बनाते हैं इफ पॉसिबल हुआ तो। काम तो वैसे बहुत है, लेकिन अगर आज मैक्सिमम काम निपटा लेता हूँ तो कहीं जा सकते हैं हम। कोई नहीं, चलते हैं नाश्ता करते हैं थोड़ा पहले। निकल गया हूँ मैं इधर ऑफिस के लिए और यहाँ पे चलना है आज हमें लैब वाला काम करना है। लैब में R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम। और कुछ नए आइटम्स बनाने हैं जो कि
मतलब एक आग 2 लीटर की R&D करनी है। तो अगर वो सक्सेस हो जाता है फील्ड में तो उसका फिर बल्क साइज बनेगा, क्योंकि अभी नया सैंपल ही जाएगा बन के वो। तो देखते हैं, करते हैं आगे काम धीरे धीरे और चलते हैं, शेरू से मिलते हैं। गर्मी तो बहुत अच्छी वाली पड़ रही है लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में। चीज़ें तो सही तो चल रही हैं, हमेशा सही चलती हैं, बस देखने का नज़रिया थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। कोई नहीं, चलता है, करते हैं पहले उस काम आज का। कहाँ गया शेरू? आ गया फ्रेंड्स, मैं इधर फार्म हाउस पे। hey, नो नो, चलो चलो चलते हैं उधर, चलते हैं, चलो चलो काम करके आते हैं कुछ। चलते हैं शेरू के साथ, कुछ काम करके आते हैं। आओ, गुड बॉय। इधर इधर इधर, उधर नहीं, नो शेरू, चलो आओ आओ आओ, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया 12:15 और हम आ गए इधर लैब में। आज लैब में थोड़ा बहुत काम है। वहीं बैठो तुम, तुमको नहीं आना, वहीं एसी में बैठो, एसी चला दी तुम्हारे लिए, इधर ही बैठो, इधर नहीं आना। टाइम हो गया है 2:30 और स्टिल आई एम ऑन माई R&D। अभी थोड़ा सा मटेरियल बना तो है और थोड़े से मटेरियल बनने के तैयारी में है। इफ ये सक्सेस हो जाता है तो फिर बड़ा बैच लेंगे। गमिंग वगैरह भी तैयार हो गया है, कोई नहीं, देखते हैं। आज शाम तो हो ही जाना है मुझे पक्का यहाँ पे। टाइम हो गया है 17, मतलब 6 बज गए एक तरह से, एक ही मिनट बचा है 6 बजने में, तो एक तरह से पूरी तरह 6 बज गए। और निकल गया हूँ मैं घर के लिए, तो चलते हैं घर पे, चाय वाय पीते हैं। आज तो काफ़ी ज़्यादा थक गया मैं, मुझे लगा कि जल्दी फ्री हो जाऊँगा लेकिन फ्री हो नहीं पाया मैं। कोई नहीं, काम तो काम है। तो कटहल का अचार बन रहा है मम्मी, वाह क्या बात है, मसाले सारे डाल दिए सब, मज़ा आएगा। ये तो अभी बन के तैयार हो जाएगा 2-3 दिन में, कि तुरंत हो जाएगा। तो थोड़ा सा धूप वूप भी दिखाना पड़ता है ना इसको, मतलब फर्स्ट डे पहला दिन खा सकते हैं इसको, तो ऐसे बन रहा है तो है। अच्छा है, बना है क्या, बना पहले का तो बना। ओके, क्या सब मिठाई उठाई रख रहे हैं इतना डब्बे में सरिया और या के। टाइम हो गया है 6:15। श्रीराम फ्रेंड्स, आज दिन है सैटरडे और निकल गया हूँ मैं थोड़ा सा फार्म हाउस के लिए, वहाँ पे काम चल रहा है अभी। 2 दिन से मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन आज देखता हूँ उसको फाइनल कर देता हूँ, क्योंकि मशीन भी सब हो गया है फाइनल बन के। तो मे बी आज प्रोडक्शन आज फाइनल हो जाना चाहिए, आज नहीं कराऊँगा तो फिर वो मटेरियल जो है जो बना हुआ है वो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा, और R&D करके फिर वो बड़े बैच लिए जा चुके हैं। तो कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं आज का डे करते हैं स्टार्ट। आप भी साथ साथ बने रहो और देखते हैं फिर कहीं प्लान बनाते हैं, अगर फ्री हो जाता हूँ जल्दी तो कहीं ना कहीं का प्लान बनेगा, चलते हैं। फाइनली टाइम हो गया है 3:15 और अब करेंगे हम लंच। लाइट नहीं है क्या? अच्छा है, मुझे लगा कि डाला नहीं है, लाइट तो नहीं है। आज काफ़ी लेट हो गया है लंच करने में, क्योंकि आज काम था काफ़ी फार्म हाउस पर, मैं कहा सुबह सुबह निकल गया था काफ़ी, मैं कहा पहले वहाँ का काम निपटाते हैं फिर करते हैं थोड़ा बहुत। कोई नहीं, चलते हैं करते हैं लंच। क्या भैया क्या कर रहा है, शॉपिंग करने आए आप? दिमाग वमाग ठीक है कि नहीं आपका, हैं? परचून की दुकान छोड़ के आए हो एक्सपेंसर में, लेकिन बोल भी नहीं पा रहा। कौन सी मिठाई खा रहे भैया, क्या नाम है इस मिठाई का? चंद्रकला। क्या बात है भैया, क्या बात है। तो भैया हम राहुल भैया के साथ चंद्रकला मिठाई खा रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा मिठाई, पता है किसका है? पता है किसका है? मुन्ना वाले का, मुन्ना स्वीट हाउस। अच्छा। आपके जिम के आगे। आपका भूतपूर्व जिम, अब वहाँ पे जिम नहीं है। तो वह जिम पे जाते कैसे थे, मतलब वहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह भी थे कि मतलब ऐसे ही टाइम पास था? ट्रेडमिल में, ट्रेडमिल जो था वहाँ पे वो पाइप वाला था कि इलेक्ट्रॉनिक था? इलेक्ट्रॉनिक था कि पाइप वाला था, मैनुअल? मुझे लगा एक बार आप उसमें फंस के गिर भी गए थे। नहीं कोई गिरा था?
बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम फोकस करते हैं अपने मिठाई पे, चंद्रकला पे।